हेलो एवरीवन, बेनिफिट ऑफ नेचर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेमेडी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो एक लिप बाम है। बहुत ही अच्छा है, बहुत असरदार है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी, आपके लिप्स जो ब्लैक पड़ गए हैं ना, उन्हें उनका कलर चेंज हो जाएगा, वो पिंक हो जाएंगे। आप इसे रेगुलर यूज़ करेंगे ना तो आपके, आप इसे लिपस्टिक की तरह रेगुलर अगर यूज़ करेंगे ना तो आपके लिप्स की जो प्रॉब्लम है ना बहुत जल्दी दूर हो जाएगी, कलर भी चेंज हो जाएगा लिप्स का। क्योंकि बहुत लोगों का हार्मोन्स की वजह से आपके जो लिप्स हैं वो ब्लैक पड़ जाते हैं, तो वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा उनका कलर। क्योंकि इसमें जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आज वो है बीटरूट। ये बहुत अच्छा होता है, इसमें विटामिन B1, B2, विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन भी होता है, जो आपके लिप्स ब्लैक पड़ गए हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत असरदार है ये। इसलिए आप शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए जो आज मुझे इसमें चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन प्लीज़ एवरीवन, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी रेमेडी बना रही हूँ, जो भी चीज़ें बना रही हूँ वो आप तक पहुँच सके। और बेल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके, ताकि जो भी मैं चीजें बना रही हूँ वो आप उन चीजों को देख सकें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप किसी और के साथ शेयर कर सकें। इसलिए जो भी चीजें मैं बनाती हूँ 100% नेचुरल है, बहुत ही असरदार है, बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि मैं खुद यूज करती हूँ तभी मैं आपके साथ वो चीजें शेयर करती हूँ। इसलिए प्लीज एवरीवन, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो का फायदा भी ले सकें। इसलिए आप शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें चाहिए बीटरूट। ये कलर के लिए भी काम करेगी, साथ साथ आपके लिप्स का कलर भी चेंज करेगी। दूसरा, इसके लिए मुझे चाहिए बी वैक्स। ये मैंने पहले से बी वैक्स को थोड़ा गर्म करके स्पून में आपको दिखाने के लिए रखा था, इसलिए बी वैक्स ये आपको बहुत ही आराम से मिल जाएगा। ये जितने भी किराना के स्टोर हैं या फिर जहाँ भी झंडू की दुकानें हैं वहाँ आपको मिल जाएगा। क्योंकि मैं जो रेमेडी बना रही हूँ तो आजकल मुझे कमेंट आते हैं कि आप ये चीज़ें कहाँ मिलेंगी, तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, ये आपको बहुत ईजिली मिल जाएगा। ये बी वैक्स एक तरीके से मोम होता है, ये थोड़ा फ्रेश वाला है, साफ वाला है, लेकिन आपको जो दुकान पे मिलेगा थोड़ा येलो टाइप का होता है, लेकिन वो भी आप यूज कर सकते हैं। जब आप उसे गर्म करेंगे तो वो जितना भी उसका गंदगी होगी सब नीचे बैठ जाएगी और वैक्स ऊपर जम जाएगा, तो आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं साफ करने के बाद। इसे बी वैक्स मोम बोलते हैं। और इसमें इस्तेमाल करूंगी मैं एलोवेरा जेल। आप येलो या ग्रीन कोई सा भी एलोवेरा यूज कर सकते हैं, तो ये थोड़ा जेल का भी काम करेगा, क्योंकि बी वैक्स थोड़ा जम जाता है तो ये हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा। इसलिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब हमें वी टूट का थोड़ा सा रस चाहिए। इसके लिए अब हम इसे थोड़ा सा कद्दूकस करके इसका थोड़ा सा रस निकाल लेंगे। ये थोड़ा सा ही हमें इसका रस चाहिए। इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही थोड़ा सा, हल्का सा थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, आधा चम्मच के करीब हम, तो उससे क्या है इसका जितना भी रस है ना वो सारा निकल जाएगा। इसलिए अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, इसका ये पूरा रस है जो जितना भी इसका बीटरूट का कलर है वो सारा इसमें आ जाएगा। ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि हम इसे फ्रिज में स्टोर करेंगे, इसलिए अभी इसे थोड़ा सा गीला करके रख देंगे, क्योंकि बीटरूट में ज़्यादा रस नहीं निकलता है। और उस इतना इसका रस निकलता है, हमें क्या करना है, एक डबल बॉयलर करना है। एक बड़े बर्तन में आपको पानी गर्म करना है, उसमें आपको एक चम्मच बी वैक्स रखना है, जिससे कि वो पूरा मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए मैंने ऑलरेडी रखा हुआ था, ये मेल्ट हो गया, एक चम्मच मेरा बी वैक्स है ये, तो इसे अभी हम इसमें रखेंगे जब तक कि हम बीटरूट का रस ना निकाल लें। अब हमें इसमें बीटरूट का रस मिलाना है, इसलिए अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये बी वैक्स गर्म करके रखा था अब हम उसमें ये इसका रस है जो वो डाल देंगे। अभी इसे इसी बॉयलर के अंदर ही चलाना है, नहीं तो क्या होगा, ये जो वैक्स है वो जम जाएगा। इससे क्या होगा, इसी में अच्छे से इसका कलर पूरा इसी के अंदर आता रहेगा। साथ साथ हम इसमें एलोवेरा जेल भी मिला देंगे, ये हाफ टी स्पून के करीब हम एलोवेरा जेल लेंगे। एक चम्मच बी वैक्स, हाफ टी स्पून एलोवेरा जेल, और हाफ टी स्पून के करीब ही मैंने बी वैक्स लिया था। अब इसे इसी गर्म बॉयलर में ही, जो मैंने गर्म पानी का बाउल लिया है उसी के अंदर इस कटोरी को रखना है, और हमें बहुत अच्छे से इसे फेंटना है जब तक कि पूरा अच्छे से मिक्स ना हो जाए। ये गर्म ही रहना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए पानी। इसको फेंटते रहना कम से कम 5 से 7 मिनट तक, इसे खूब अच्छे से फेंटना है कि जिससे कि बीटरूट और जो एलोवेरा है वो सब पूरा एकदम क्रीमी फॉर्म में आ जाएगा।
ये बहुत असरदार है क्योंकि मैं खुद इसे यूज करती हूँ और बहुत अच्छा है क्योंकि इसे आप रेगुलर यूज करेंगे ना, आपके लिप्स का कलर तो चेंज हो ही जाएगा, साथ साथ आप इसे लिपस्टिक की तरह भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आजकल जो आप लिपस्टिक यूज करते हैं मार्केट में की होती है जो उसमें पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, इसलिए ऑर्गेनिक चीज़ इस्तेमाल करिए, लिप्स को भी फायदा देगी, आपकी बॉडी को भी कोई नुकसान नहीं होगा इसलिए। और देखिए इसे खूब अच्छे से जितना फिटेंगे तो ये बिल्कुल एकदम क्रीमी फॉर्म में होता चला जाएगा। ये आप इसे थोड़ा बहुत जैसे आपको कलर चेंज करना उसी के अकॉर्डिंग आप थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं इसमें जो बीटरूट का रस है। ये मैं आपको एडिट करके भी दिखा सकती थी, मैं तैयार करके भी आपको दिखा सकती थी, लेकिन मुझे लगा मुझे आपको अच्छे से बताना चाहिए कि आप इसे जितना फिटेंगे उतना ये क्रीमी फॉर्म में आएगा, उतना ही अच्छा बनेगा ये, इसलिए फेटते रहना है पूरा इसे बहुत अच्छे से। देखिए कितना ये कम से कम भी आप इसे और जितना फेर सकते हैं आप उसे फेटिए क्योंकि पूरा एकदम मिक्स हो जाएगा, ये लिपस्टिक की तरह हो जाएगा एकदम। आप इसे फिर आपको छोटे से कंटेनर में डाल के रखना है, आप इसे फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं और जैसे आजकल सर्दियों का मौसम है तो आप इसे बाहर भी रखेंगे तो ये बाहर भी खराब नहीं होगा, इसलिए बी वैक्स है, एलोवेरा जेल है। आप थोड़ा सा इसमें अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा ग्लोसी चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैं फिटने के बाद इसमें थोड़ा सा जैतून का तेल डालूंगी, थोड़ा ही डालूंगी ज़्यादा नहीं। अब जैतून का तेल डालने के बाद फिर इसको फिटना है। अभी देखिए बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है ये, क्योंकि आप इसमें ऑयल बाद में डालेगा, आप इसमें जैतून का तेल डाल सकते हैं, आप इसमें बादाम का तेल भी डाल सकते हैं, जो भी आपको लग रहा है अगर आपको ऑयली चाहिए तो, क्योंकि अगर आपको ग्लोसी चाहिए तो आपको इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही हो जाएगी ये, इसलिए। अब जैसे विंटर का मौसम है तो थोड़ा सा चाहिए कि थोड़ा लिप थोड़ा चिकने चिकने रहे, इसलिए तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला सकते हैं। अब ये देखिए बिल्कुल पिंक हो गई है ये एकदम। अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क चाहिए, डार्क पिंक चाहिए, तो आप इसे जो बीटरूट का रस है वो आप थोड़ा और ज़्यादा निकाल कर डाल सकते हैं इसमें। अब मैंने तो हाफ टी स्पून के करीब रस लिया है इसमें, आप इसमें थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं, एक चम्मच रस डाल सकते हैं बीटरूट का, इसलिए एक चम्मच बी वैक्स लेना है आपको गर्म करने के बाद, आपको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा बी वैक्स लेना है तो मेल्ट होने के बाद वो 1 टीस्पून हो जाएगा उसमें, और थोड़ा सा 5 से 6 बूंदे आप इसमें जैतून का तेल या बादाम का तेल डालेंगे, और जितना आप बी वैक्स लेंगे अगर 1 स्पून आप बी वैक्स ले रहे हैं तो 1/2 टीस्पून आपको एलोवेरा जेल लेना है इसलिए, और 1 टीस्पून आपको बीटरूट का रस लेना है, और बिल्कुल गर्म बाउल में ही आपको इसे फेटना है तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा क्योंकि सर्दियाँ तो आजकल बहुत जल्दी जम जाता है। अब देखिए पूरा ये जितना मैंने फेटा आपके सामने ये बिल्कुल एकदम क्रीमी फॉर्म में आ गया है। ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत इफेक्टिव पिंक कलर आएगा इसका। ये देखिए कितना सुंदर पिंक कलर आया है इसका, क्योंकि मैं ज़्यादा डार्क लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ तो मैंने अपने अकॉर्डिंग पिंक बनाया है, बहुत लाइट पिंक। आप इसे अपने अकॉर्डिंग, आपको कितना डार्क करना है अपने अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं, यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज़ एवरीवन लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।